क्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। ज्ञानवापी केस का फैसला टला, वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर। मामले में मिली अगली तारीख। ग्यारह अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली। ज्ञानवापी केस में फैसला टला, वाराणसी से बड़ी खबर। मामले में मिली अगली तारीख। ग्यारह अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी केस में फैसला टला, वाराणसी से बड़ी खबर। मामले में अगली तारीख मिली। अगली तारीख 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी केस में फैसला टला। बता दें, कार्बन डेटिंग का फैसला आज होना था, जिसकी तारीख अगली 11 अक्टूबर रखी गई है। शिवलिंग के वैज्ञानिक जांच को लेकर फैसला टला। वहीं अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को रखी जाएगी। ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग पर सुनवाई टली है। वाराणसी से बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस में फैसला टला। बता दें, मामले में अगली तारीख मिली है। 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। बता दें, ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग को लेकर सुनवाई टली है। ज्ञानवापी केस में फैसला टला। बता दें, मामले में अगली तारीख दी गई है। 11 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग पर सुनवाई टली। ज्ञानवापी केस में फैसला टला। बता दें, कार्बन डेटिंग का फैसला टला है, वाराणसी से बड़ी खबर। वही मामले में अगली तारीख भी दी गई है। अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी मामले में फैसला टला है। बता दें, कार्बन डेटिंग का फैसला टला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता वाराणसी से अफताब हमसे जुड़े हैं। अफताब, ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग पर फैसला टला है, क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि ज्ञानवापी परिसर स्थित गौरी श्रृंगार नियमित दर्शन पूजन को लेकर के संरक्षित करने वाली याचिका पर सुनवाई आज 7 अक्टूबर को होनी थी, जिस पर आज इस मसले पर हिंदू पक्ष की ओर से जिलाधिकारी की अदालत में कार्बन डेटिंग व अन्य वैज्ञानिक विधियों पर शिवलिंग की जांच के लिए प्रार्थना पर दिया गया था। अदालत अफताब, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो जी, आ रही है? हेलो, बंद हो गया। हेलो हेलो अफताब, कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला टला है, तो इसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ कहना है? जी, गौरतलब है कि सिंगार गौरी के नियमित दर्शन पूजन को लेकर के 5 महिलाओं ने की ओर से कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था। इनमें से एक महिला राकेश सिंह अधिवक्ता की ओर से कार्बन डेटिंग का विरोध किया गया। मुस्लिम पक्ष ने भी आपत्ति जताई है। हालांकि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विजय शंकर जैन ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्होंने सिर्फ कार्बन डेटिंग की मांग नहीं की है। उन्होंने कहा है कि आज जांच की जो विश्वासी विधि है उसे अपनाया जाए। इस मुकदमे में दोनों पक्ष की ओर से अपना अपना पक्ष रखा जा चुका है।
गौरतलब है कि ज्ञानवासी मुकदमे से जुड़ी वाद की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी चल रही है, लेकिन आज जो हुआ है वह दोनों पक्ष की सुनवाई को रख करके आज 11 तारीख दे दी गई है। जी धन्यवाद आफ्ताब तमाम जानकारियों के लिए। बता दें ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग पर सुनवाई टली है। ज्ञानवापी केस में फैसला टला, वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में अगली तारीख भी दी गई है। अगली तारीख 11 अक्टूबर को दी गई है। ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग पर सुनवाई टली। ज्ञानवापी केस में फैसला टला है। बता दें कार्बन डेटिंग को लेकर फैसला टला। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, ज्ञानवापी मामले में फैसला टला है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? देखिए, ज्ञानवापी मामला अगर हम कहें मयूरी, तो बहुत पुराना मामला है जी। मामला से पुराना बोलूंगा कि 1993 में इसके लिए एक याचिका डाली गई थी, उसके इस मामले पे इसके लग गया था। उसके बाद अगर हम लगातार देख रहे हैं कि इसके जो मामले की जो गर्माहट है, वो गर्माहट 21 में पकड़ी है, यानी 21 में इसकी शुरुआत हुई और फिर दोबारा वहाँ पर 5 महिलाओं ने याचिका डाली थी कि जिसमें साल में एक बार वहाँ पर पूजा करने की इजाज़त है, उसके बाद अब उनको रोज पूजा करने की इजाज़त दी जाए, ऐसी याचिका उन्होंने डाली थी। 5 महिलाएँ थी। उन याचिका के बाद इस मामला फिर से आपका राय पकड़ा है और उसके बाद लगातार इस मामले पर राजनीति होती चली आई है। उसके बाद अभी हाल में आपने देखा है कि मई में इस पर सर्वे भी हुआ था और सर्वे पे भी तमाम बवाल हुए थे, सर्वे नहीं करने की प्रयास कराए गए थे। उसके बाद भी वहाँ पर कोर्ट के आदेश के माध्यम से और कमिश्नर के माध्यम से वहाँ पर सर्वे कराया गया और सर्वे में तमाम चीज़ें निकल के आई थी और उन सर्वे में एक जो जगह थी वहाँ पर ये दिखाया गया था कि बजूगर बोला जाता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर एक बजूगर था, वो कहा जा रहा था जो हिंदू पक्ष के वकील, उनका कहना था कि ये शिवलिंग है। उसके वीडियो भी वायरल हुए थे, उसकी फोटो भी वायरल हुई थी। उसके बाद जो मुस्लिम पक्ष के वकील, उनका कहना ये था ये महज फुब्बारा है। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चा होती रही और चूंकि ये मामला लगातार सुना जाता गया, इस पर तहरीर जाती गई, दलील दी गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी ये मामला गया कि ये मामले की सर्वे ना हो और आगे इस पर कार्रवाई ना हो, पर सुप्रीम कोर्ट से निराशा यहाँ पर हाथ लगी। उसके बाद ये मामला लगातार चल रहा है और यहाँ पर जब ये मामला अभी 22 सितंबर को इसको स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि सबसे बड़ी अहम बात ये थी मामला स्वीकार करने योग्य है कि नहीं है, ये मामला स्वीकार करने हो गया है और इसमें अब कार्रवाई चल रही है। आज जो मामला था वो कार्बन डेटिंग का मामला था। ये कहा गया था कि जो बजू खाने के अंदर जो बताया गया है कि वो शिवलिंग है, उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाएगी, उसका मेल कराया जाएगा कि जो पुराने जो अभी ज्ञानवापी की मस्जिद के पत्थर हैं उससे वो मेल खाते हैं या वो और पुराने खो सकते हैं, क्योंकि अगर कार्बन डेटिंग हो जाएगी तो स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो पत्थर है उसमें बदलाव है। अगर पजू खाने के वो अंदर वो फब्बारा लगाया जाता है तो उसका पत्थर भी एक ही होना चाहिए, पर अगर पत्थर पुराना होता है कार्बन डेटिंग के माध्यम से हमको ये मालूम पड़ जाता है कि पत्थर कितने दिन पुराना है। अच्छी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के माध्यम से तमाम तरह का सच सामने आने वाला है। हालांकि इस पर यहाँ पर कोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए जो सुनवाई है वो 11 अक्टूबर तक ही टाल दिया और कहा है 11 अक्टूबर पर फैसला आएगा। गौरव, कार्बन डेटिंग को लेकर आज सुनवाई होनी थी, तो क्या वजह रही कि आज का फैसला टाल कर 11 अक्टूबर की तारीख दी गई है? देखिए, यहाँ पर दलीलों की बात होती है, कभी कभी ऐसा होता है मयूरी की दोनों पक्ष भी नहीं आते हैं, अगर कोई कमियां होती है तो उसके तहत भी फैसला टाल दिया जाता है। फैसला बढ़ना, डेट आगे बढ़ना, ये तो न्याय प्रक्रिया है, यहाँ पर समय समय बदलाव होते रहते हैं और डेट बढ़ती रहती है। हालांकि न्याय पक्ष का अपना एक कहना है कि हाँ अभी कुछ और साक्ष्य मेरे पास आने मौजूद है, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर होने वाला है, कार्बन डेटिंग बहुत महत्वपूर्ण निर्णय होने वाला है। ज्ञानवापी और सिंगर गौरी मामला है उस जो अभी चल रहा है, निश्चित रूप से मामला अहम है और यहाँ पर कार्बन डेटिंग के माध्यम से तमाम चीज़ें सामने आ सकती है मयूरी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर 11 अक्टूबर की सुनवाई लगाई है। अब 11 अक्टूबर सुनवाई होगी कि नहीं होगी ये भी एक अपने प्रश्न रहेगा, पर अभी देखा जा रहा है कि 22 सितंबर के मार्च से ये मामला लगातार अब चर्चा में है और लगातार इस मामले पर कार्रवाई चलती रहेगी और ज्ञानवापी और सिंगर गौरी मंदिर का जो मामला है वो जल्दी सुलझने की उम्मीद भी रहेगी। जी गौरव, ये कार्बन डेटिंग का फैसला टल चुका है, तो इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष का क्या कुछ अब कहना है? देखिए, हिंदू पक्ष का भाई आपने अपनी दलील रखी है, आपने अपनी बात कही है कि हाँ हमको कार्बन डेटिंग करानी है और कार्बन डेटिंग अहम है,
यहाँ पर कार्बन डेटिंग का मयूरी अहम रोल है। हालांकि मुस्लिम पक्ष का अपना कहना है, हिंदू पक्ष का अपना कहना है, यहाँ पर रोल अहम है और कार्बन डेटिंग से ही तमाम चीजें सामने आएंगी। 11 अक्टूबर फैसला होगा और ये बताया जाएगा कि कार्बन डेटिंग होनी है कि नहीं होनी है। इससे पहले सर्वे पे भी तमाम तरह के प्रश्न उठाए गए थे कि सर्वे नहीं होना चाहिए। उसके बाद लोगों ने दोनों तरफ से अंजुमन इंटरनेशनल कमेटी है वहाँ से कुछ लोग शामिल हुए थे, सरकार के कुछ लोग शामिल हुए थे और हिंदू पक्ष के कुछ लोग शामिल हुए थे। 36-11 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, उनके देख रेख में और कमीशन नियुक्त किए थे, सर्वे भी किया गया था। तो यहाँ पर जो मामला है ज्ञान बापी और सिंगारगौड़ी मंदिर रहा, इसमें सर्वे भी हुआ है, आने वाले समय हो सकता है कार्बन डेटिंग के लिए समय निर्धारित कर दिया जाए। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। ज्ञानवापी केस में फैसला टला है, वाराणसी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मामले में अगली तारीख भी दी गई है। 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। ज्ञानवापी केस में कार्बन डेटिंग पर सुनवाई टली। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।